गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको वंदे मातरम की पहली चार पंक्तियों पे नृत्य सिखाया था, आपने प्रैक्टिस किया होगा, और आज उसकी बची हुई चार पंक्तियों पर हम नृत्य करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इस चार पंक्तियों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में और उसका अर्थ जान लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में इस गाने की अगली चार पंक्तियां लिख लीजिए। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम सुहासिनिम सुमधुर भाषिणिम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो बच्चों, इसका अर्थ है जो हमारी मातृभूमि है वो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, सुंदर चांदनी से प्रकाशित रात वाली माँ, खिले हुए फूलों और घने वृक्षों से लदी हुई माँ, और सुमधुर सुंदर मीठी भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली और हमें वरदान देने वाली मेरी माँ, तुम्हें मेरा प्रणाम। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इस नृत्य के आगे चार पंक्तियों को हम आगे सीखते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने वो म्यूजिक पर एंड किया था इस वाले एक्शन से, ठीक है, घूमकर हमने ऐसे चेंज किया था। इसके बाद एक आलाप है छोटा, उसके बाद है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। तो ज्योत्सना मतलब चांदनी रात, और रात से जो पूरी रात है वो पुलकित है, बहुत खुश है, सुंदर तारे हैं और चांद है। तो हमें चांद और तारे दिखाते हुए इस नृत्य को करना है। तो हमें पहले जो आलाप है उसमें ऐसे करके एक चक्कर लेते हुए दिखाना है शुभ्र ज्योत्सना, ये चांद हुआ, और चांद से आती हुई रोशनी को हमें दिखाना है और चांद को देखते रहना है। ठीक है बच्चों, सो शुभ्र ज्योत्सना, ठीक है, और तारे दिखाते हुए दिखाना है पुलकित यामिनिम। पूरी रात जो है वो पुलकित है, बहुत खुश है इस चांदनी रात और तारों को देखकर। तो ये लाइन क्लियर हुई। इसके बाद है फुल्ल कुसुमित, मतलब जगह जगह सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और उस पे भौरे चल रहे हैं, तो हम उस एक्शन को जल्दी से दिखा सकते हैं, फुल्ल कुसुमितर। उसके बाद द्रुमदल, यानी कि सुंदर सुंदर वृक्षों से सजी हुई है धरती, सो द्रुमदल शोभिनिम, कितनी शोभा कितनी सुंदर है शोभिनिम। ठीक है, फिर है सुहासिनिम, मतलब सदा मुस्कुराने वाली माँ, और सुमधुर भाषिणिम, जो सुंदर भाषा और मीठी भाषा बोलने वाली हमारी मातृभूमि। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सुखदाम वरदाम, तो सुख देने वाली और वरदान देने वाली हमारी माँ, फिर वंदे माँ तरम। ठीक है बच्चों, अब इस गाने को हम गाने के साथ करते हैं, नृत्य के जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इनको।